जिंदा रहने तक तो सबको खुशी दूंगा, जिंदा रहने तक तो सबको खुशी दूंगा, कोई मेरी मौत पे भी खुश हो जाए तो क्या बात है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज सुबह 7:30 हो चुके हैं, 7:30 बज चुके हैं और इतनी ठंड होने लग गई है और सुबह इतने सुबह उठ के अकेले होने का नुकसान, जीन्स धोनी पड़ी, जीन्स बची नहीं है ज़्यादा, ऑलरेडी पूरे इंडिया का टूर करके आ रहा हूँ तो जीन्स वगैरह कम पड़ गए हैं। तो आज सुबह सुबह उठ के जीन्स धोई है अभी बिना वॉशिंग मशीन के। अब 2-3 जीन्स धोने के लिए कौन वॉशिंग मशीन चलाएगा भाई। हैंड फुला दिया था रात को पानी में सर्फ के साथ और अभी सुबह सुबह बस धो के फुर्सत। अब बस निकलेंगे क्लास के लिए मेडिजी सेंटर की तरफ। और थोड़ा सा अकेले रहने का नुकसान भी है, टाइम ज़्यादा लग जाता है चीज़ें संभालने में, सुधारने में। जब फैमिली होती है ना तो काम डिवाइड हो जाता है और नहीं होने के कारण वर्कलोड बढ़ जाता है। पर ये ज़्यादा जाहिर मत होने दिया करिए, कोशिश ये करिए कि ज़्यादा बताइए मत। पर असलियत यही है कि जब वाइफ होती है तो काफ़ी काम हैंडल हो जाते हैं, ईजी रहते हैं। अभी इस फैन चला के जाऊँगा, फैन में इनको सुखाना पड़ेगा, बाहर सुखाएंगे नहीं, फैन में, जिसे जल्दी सूख जाए। और रात को आके, शाम को आके, बाहर अशोक है वो आयरन करता है, टेस्ट करता है, उसको दूंगा, इससे कल के लिए जीन्स अवेलेबल रहे। वैसे अभी एक है सेफ्टी स्टॉक है अपने पास, एक रिजर्व स्टॉक है, पर कोशिश ये होगी कि आज ही ये तैयार हो जाए। दोस्तों बज गए हैं 8:05 और ये देखो कंडीशन, ठंड का आलम आप देख सकते हो ना, ठंड की हालत हो चुकी है। और उधर देख रहा हूँ पीछे सूर्यदेव दिख रहे हैं ठंडे ठंडे, पीछे का आप देख रहे हैं सूर्यदेव भी बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हैं, सूर्यदेव भी बिल्कुल ठंडे, ये है सूर्यदेव, आप देखोगे तो बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हैं। तो ठंडक बढ़ने लगी है दिल्ली में, ठंड आ चुकी है। और अभी आप मुझे टी शर्ट में देख सकते हो क्योंकि गाड़ी बंद, यहाँ भी सेंटर भी ऑलमोस्ट बंद, तो उतनी ठंडक अंदर नहीं है पर बाहर ठंडक है। बाहर अगर आप निकल रहे हो तो आपको जैकेट वगैरह आप दिख जाएंगे, जैकेट स्वेटर में लोग दिखेंगे, टोपा वगैरह लगाए, मफलर लगाए हुए। तो बस ठंड स्टार्ट हो चुकी है और मेरे ख्याल से ठंड ज़्यादा बेटर है कम्पेयर टू गर्मियाँ। समर से तो बहुत अच्छा ठंड है, अच्छे कपड़े दबा के पहन लो, कुछ खा पी लो, कुछ नुकसान नहीं करने वाला और पसीने का टेंशन ख़त्म। तो विश यू ऑल अ हैप्पी विंटर। तो दोस्तों अपने साथ हैं अमरिंदर सर। अमरिंदर सर आज बहुत प्यारी शायरी सुनाने वाले हैं। वैसे अमरिंदर सर के साथ फेमस रहा पहले बहुत ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट हर बैच में शायरी वगैरह होती थी। हेलो पहले हर बैच में शायरी अमरिंदर की फेमस हुआ करती थी एक टाइम पे, बहुत मतलब ऑलमोस्ट तब शायरी लिखते थे और पढ़ते भी थे। अब आजकल थोड़ा सा कम हो गया है क्रेज शायरी का, आजकल गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गए हैं, शायरी से थोड़ा दूर हो गए। गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए, बाहर से मन से संन्यस्त जीवन में प्रवेश कर गए। हाँ, आजकल हीलिंग में और क्या क्या चल रहा है सर, हीलिंग के साथ, हीलिंग और साथ में बागवानी चल रही है। अच्छा, गार्डन, पेड़ पौधों पे ध्यान रहता है मेरा थोड़ा खाली समय में। अब शायरी लिखने का तो बहुत टाइम से थोड़ा मूड नहीं बन रहा है, लेकिन पहली बड़ी पुरानी एक शायरी है जो मैं कई बार सुनाया करता था, स्टूडेंट लाइफ से आप रिलेट कर सकते हो। जब पढ़ते हो तो किताबों के पन्ने भी पलटते हो और पन्ने पलटते पलटते सपने भी सजाते हो। तो जब अपन पढ़ रहे होते हैं ना तो बहुत सारी चीजें सोचने लगते हैं कि ये होगा तो ऐसा होगा, रैंक आएगी, उससे रिलेटेड कुछ है लोगों के दिमाग में। पहले तो ये होता था सर कि स्टूडेंट का एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन होता था कि IAS में लाल बत्ती मिलेगी क्या। सर पे लाल बत्ती बन जाती थी सोचते मतलब उनको ये लगने लगता था कि जैसे IAS बनेंगे कि लाल बत्ती की गाड़ी आएगी, जलवा मतलब जिसको अपन कहते हैं ना टशन वाला। हाँ, टशन होगा, कोई ऑफिसर वो पुलिस वाला मिलता है क्या आएंगे सर। तो खैर आप लोगों को कुछ मैं लाइन्स सुनाता हूँ, मेरी लिखी हुई ये लाइन्स नहीं है लेकिन मुझे अच्छी लगती थी इसलिए सुनाया करता था कभी। किताबों के पन्ने पलट कर सोचता हूँ, यूं पलट जाए मेरी जिंदगी तो क्या बात। किताबों के पन्ने पलट कर सोचता हूँ, यूं पलट जाए मेरी जिंदगी तो क्या बात। जो मिलते हैं रोज मुझे ख्वाबों में,
जो मिलते हैं रोज मुझे ख्वाबों में वो हकीकत बन जाए तो क्या बात है। कुछ लोग मतलब के लिए ढूंढते हैं मुझे, कुछ लोग मतलब के लिए ढूंढते हैं मुझे, बिन मतलब कभी कोई आए तो क्या बात है। सही सही, कुछ लोग मतलब के लिए ढूंढते हैं मुझे, बिन मतलब कभी कोई आए तो क्या बात है। कत्ल करके तो सब ले जाएंगे दिल मेरा, कत्ल करके तो सब ले जाएंगे दिल मेरा, कोई बातों से ले जाए तो क्या बात है, कोई बातों से ले जाए तो क्या बात है। जिंदा रहने तक तो सबको खुशी दूंगा, जिंदा रहने तक तो सबको खुशी दूंगा, कोई मेरी मौत पे भी खुश हो जाए तो क्या बात है। बड़ी भारी लाइन है यार, लास्ट गहरी लाइन है लास्ट पे, भारी भरकम, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारी। सो ये कुछ लाइन थी जो मुझे अच्छी लगा करती थी सर। नहीं वाकई में बहुत अच्छी लाइन है, मतलब वजन बहुत अच्छा है जो आप कह सकते हो ना, इसकी मीनिंग है वो बहुत डेप्थ में है, बहुत डेप्थ में। शायर का नाम तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बट बड़ी अच्छी लगती है लाइन से। ये शायरी में एक अलग ही चीज़ है, मतलब अगर कहा जाए तो शायरी एक ऐसी चीज़ है जो पैशन टाइप का जिन्होंने बांध लिया है तो हमेशा रहता है। जैसे अब अमरिंदर ने शायद बहुत कम कर दिया है पर फिर भी अभी अटैचमेंट है अब तो। और सबसे बड़ी बात यह सर, मेरी ना मेमोरी बहुत अच्छी नहीं है, मतलब इनफैक्ट पढ़ाई में भी जब मैं पढ़ता था तो मेरे को समझ के ही चीज़ें याद रहती है, मतलब रटने से याद नहीं रहती। बट शायरी के साथ पता नहीं एक अलग चीज़ ऐसी है कि मैं पढ़ लेता हूँ और मुझे याद हो जाती है। तो ये वो इंटरेस्ट पे ज्यादा है मेरे ख्याल से, जो चीजों में आपका इंटरेस्ट ज्यादा होता है ना उसमें ज्यादा पकड़ लंबी होती है, पकड़ लंबी। और गार्डनिंग में क्या क्या किया सर? गार्डनिंग में सर देखिए, मैंने 5-6 महीने तो खाद भी बनाई है, वैसे सारे प्लांट्स लगाए हैं। आप घर पे आइए। नहीं बिल्कुल तो बिल्कुल आना, मैं सर को बोल भी रहा हूँ काफी टाइम से घर पे आने के लिए। एग्जैक्टली मुझे भी गुड़गांव शिफ्ट होने का प्लान, मतलब प्लान चल रहा है कि मैं फैमिली के साथ गुड़गांव शिफ्ट होगा, क्योंकि कू कल के हिसाब से ना एक सिक्योर्ड कैंपस और पूरा सारी चीज़ें चाहिए, और इधर जहाँ इन लोग रह रहे हैं उधर तरफ ही जाना है। तो मैं प्लान कर रहा हूँ जिस मैडम जैसे आती है वाइफ आती है तो एक बार पक्का आना है, तो फिर पूरा इनका गार्डन भी कवर करना। हाँ, तो जो गार्डन है मैं वैसे उसकी फोटो वोटो तो कभी नहीं लगाता, लेकिन आप लोगों को दिखाऊंगा सर के ब्लॉग में ही दिखाऊंगा पूरा गार्डन जहाँ जहाँ मैंने प्लांटेशन कर रखा है दिखाऊंगा आपको। और बच्चों के लिए लास्ट टाइम में कुछ टिप्स, अगर गेट के हिसाब से जैसे गेट अब करीब आ रहा है, क्या क्या कहा जा सकता है? सर देखिए, मुझे तो ये लगता है कि हम जितना ज़्यादा खुद पे स्ट्रेस लेके पढ़ते हैं, काम करते हैं, कि जैसे मैं जब प्रिपरेशन करने आया था तो दिमाग में एक बात इंजीनियरिंग सर्विसेज की स्पेशली, अगर मैं अपनी प्रिपरेशन लाइफ को कंपेयर करूँ तो मैं 2 बार प्रिपरेशन की, एक बार आईटी के लिए किया है और एक बार आईटी मतलब इंजीनियरिंग के इंजीनियरिंग के एंट्रेंस के लिए। तो दोनों में फ़र्क जो मैंने देखा, जब मैं इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेता था दिमाग में कि आईआईटी में ही जाना है नहीं तो कुछ नहीं करना है। तो इनफैक्ट मैं फॉर्म भी नहीं भरता था, बड़ी मुश्किल से एक दोस्त भर रहा था, AIEEE तब हुआ करता था, तो मैंने उसका फॉर्म भर दिया था साथ में। तो अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन की बात करूँ तो मेरे दिमाग में वो स्ट्रेस नहीं था, मैं पढ़ाने आया था दिल्ली, लेकिन बीच में दोस्त लोग तैयारी कर रहे थे, मैंने कहा चलो ये भी करके देखते हैं, तो ये स्ट्रेस नहीं था कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा। तो इसीलिए वो फेज भी मैंने एंजॉय किया, मतलब अपना शेड्यूल से पढ़ता था, एक घंटा निकाल के गाने वाने सुनता था, वॉक वॉक करने चला जाता था, तो इतना बर्डन सब नहीं रहा। और जब रिजल्ट आया तो ऐसा भी नहीं रहा कुछ कि मैंने इतनी मेहनत कर दी, और हाँ डिसिप्लिन्ड रहा, मतलब कंटिन्यूअस एफर्ट रहा। ये तो आप लोगों से भी यही है कि दिन भर में अपना कंटिन्यूअस एफर्ट दो, एफर्ट को ब्रेक मत करो, लेकिन एक आध घंटा रिलैक्स करने के लिए भी टाइम निकालो ताकि प्रिपरेशन बोझ ना बन जाए। तो अभी अगर एकदम से बहुत ज्यादा स्ट्रेस लोगे अभी से चल रहा है तो हो सकता है फिर लास्ट तक आपको पैनिक बटन इतना ज्यादा हो जाए कि फिर आपको लगे कि यार मन नहीं, इंटरेस्ट खत्म हो जाए। हाँ बिल्कुल वही होता है, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि फिर लगता है कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। तो वो चीज थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आई थिंक ज्यादा अच्छा। मतलब पढ़ना है, मेहनत करना है, अपना 100% देना है, पर ये नहीं कि ये दिस इज द एंड ऑफ एवरीथिंग। अभी लाइफ में बहुत कुछ है, आप और भी आगे कुछ बेटर कर सकते हो, पर ये कोशिश करो कि जो भी कर रहे हैं उसमें 100% हो, पर बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना। सर का ये कहना है कि बिल्कुल रिलैक्स मूड में थोड़ा सा अपनी लाइफ भी देखो, इन्जॉय भी करो, गाने सुनो, जो भी पसंद है हॉबी, और साथ में पढ़ाई भी करते रहिए। बिल्कुल सर, और लंबा समय है जिंदगी, तो ये उसका एक छोटा सा फेज है, तो वो भी अगर अच्छे से गुजर जाए तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, अच्छी जिंदगी जीने के बस दो ही तरीके हैं। पहला, जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो।
या दूसरा तरीका जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो।